जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहान योजना के महिला समूह ने की अनिश्चितकालीन धरना। आज सारंगढ़ के तहसील कार्यालय में बिहान योजना महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सभी PRP, LCRP, RBKAW, पशु सखी, कृषि मित्र और बैंक मित्र ने कहा कि हम सब मन लगाकर काम कर रहे हैं। जो काम जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से गांव लेवल तक काम कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह गठन, बैंक लोन, वैक्सीनेशन में भी साथ दिया, गौठान में आजीविका, गौठान में समूह से कार्य हमारे द्वारा कार्य करवाया जाता है, हम सभी को समूह से कार्य हमारे द्वारा करवाया जाता है। हम सभी बिहान कैडर्स की नियुक्ति के समय में यह सभी कार्य नहीं बताया गया था, फिर भी हम सबसे यह सब कार्य करवाया जा रहा है, जिससे हमारे मानदेय में संतुष्टि नहीं हो रहा है। बिहान योजना के अंतर्गत कार्य को छोड़कर अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय देंगे, परिचय देंगे आपका। मेरा नाम जय बिहान, जय बिहान। मेरा नाम श्रीमती हेमलता देवांगन है। मैं रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ जनपद पंचायत से गोड़म क्लस्टर की PRP। आज जिला में अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आप बिहान किस तरह से है और क्या क्या मांगे हैं हम लोगों का? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं, हम सभी बिहान कैडरों की नियमितीकरण किया जाए और समय पर मानदेय नहीं मिलता है, वो समय पर हम लोग को मानदेय दिया जाए। और हमारी जो मांग है, हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे मतलब काम के हिसाब से, काम के रूप से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोग अपने घर परिवार को छोड़कर 200-250 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आके काम कर रहे हैं। जितना मतलब हम लोग काम कर रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग हड़ताल पे उतरे हैं। और हम लोग का मानदेय बहुत कम है, जितना मानदेय मिल रहा है उतना से हम लोग का पेट्रोलिंग और मकान किराया और अपने घर परिवार का खर्च हम लोग का नहीं चल पा रहा है। और हम लोग हर प्रकार से जितना भी मतलब हमारे शासन प्रशासन के योजना है, हर विभाग के काम को हम लोग कर रहे हैं। कितना मानदेय मिलता है अभी आप लोग? हम PRPओं का मानदेय है 13,200 है और एक FLCRP का मानदेय है 5,000 और RBK का है 2,200 और उससे नीचे केडर है सक्रिय महिलाएं, उनका है 1,500 और कृषि मित्र पशु सखी है उन लोगों का भी 1,500 है और बैंक मित्र का है उनका 2,500। पहले तो जय बिहान, मेरी नाम मधु वर्मा है। मैं वरम किला ब्लॉक के गोंदा क्लस्टर की PRP हूँ। हम लोग यहाँ सारंगढ़ जिला में वो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। कब तक आपका हड़ताल रहेगा और क्या क्या मांगे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से? हम लोगों का हड़ताल अनिश्चित है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना आता है उन योजना का सभी जानकारी हमारे बिहान के दीदी इन योजना के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जो कि काम के हिसाब से हम लोग चाहते हैं नियमितकरण, नियुक्ति प्रमाण पत्र, मानदेय में वृद्धि और हर माह वेतन, जिस तरह काम कर रहे हमारे कैडर दीदी काम के हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे कि मितानी लोगों का कार्य हो गया पैन कार्ड बनाना, उसमें भी हमारे बिहान की दीदी लोग काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड हो गया, वन विभाग से हो गया और गोबर खरीदी हो गया, सभी काम में हमारी बिहान की दीदी लोग काम कर रही है, लेकिन उसमें काम तो बहुत ज़्यादा है और पैसा उसमें कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट भी किया जाए, जिस तरह से काम करवा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों का मानदेय को भी वृद्धि किया जाए। क्या लगता है कब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा? हम लोगों का आंदोलन अब अनिश्चित है। कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, हम लोगों भी ठान लिए हैं अब तो हमारे पूरा राज्य और केंद्र, पूरा जितने भी जगह बिहार के दीदी हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में सभी जगह की दीदी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या इसका कुछ आवेदन वगैरह कुछ ज्ञापन सौंपे हैं आप? हाँ, हम लोग आवेदन सौंप चुके हैं। राज्य सरकार से अभी तक कुछ आपके आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। इससे पहले भी आप सब रायपुर में धरने पे बैठे हुए थे, तो रायपुर में आपको क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग रायपुर धरना में बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं हमारे
जिला के और कुछ बहुत से जिले की दीदी वहाँ पर बैठे हैं, और जो दीदी लोग नहीं जा पा रहे हैं सभी लोग अपने अपने ब्लॉक और जिला स्तर में बैठे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन को क्या कहना चाहेंगे? हम शासन से यही कह रहे हैं कि जैसे सभी का मानदेय बढ़ा रहे हैं उसी तरह हम लोगों का भी मानदेय बढ़ाए और हम लोगों के भी मानदेय में वृद्धि किया जाए।